कुछ डॉक्टर्स भी आएंगे टाटा मेमोरियल से, तो वी डिस्कस करेंगे अबाउट कैंसर एंड विल स्टार्ट द प्रोग्राम बिकॉज वी डोंट वांट टू डिले द प्रोग्राम एट ऑल. सो थैंक्स टू दिलीप सेन जी हु हैज कम, थैंक्स टू हरजीत जी एंड ऑल द अदर पर्सनालिटीज हु आर सिटिंग हियर. सो द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज भगवान को याद करना. कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है. सो गणपति जी का नाम लेते हुए सबसे पहले हम सिंह प्रचलित करेंगे. आई वुड लाइक टू इन्वाइट अ गेस्ट ऑफ ऑनर दिलीप सेन जी नियर द डायस फॉर प्रचलित एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट हरजीत जी, संजय जी प्लीज कम एंड वी विल डू द दीप प्रचलित एंड स्टार्ट. दो शब्द आप बोले आपने थोड़ा सा बैठ जाइएगा. अरे यार हिलाओ मत, उठो मत. आपने मुझे याद किया, मैं आ गया. एक ही है कि मैं एक शिव भजन से शुरू करता हूँ. गणेश जी के पिता हैं, शिव जी का मैं उपासक हूँ. ऐसी सुबह आए आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम. जय भोले, जय महाकाल. भगवान को याद करके अभी हम लोग पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे. बहुत सारी बातें करनी है. तनुजा जी जलंधर से आए हैं, अम्बेसडर ऑफ पंजाब. मैम सामने सर, सर यहाँ देखिए, सर सर एक फोटो, सर आगे जाओ, सर यहाँ देखो जरा, यहाँ यहाँ एक सेकंड. सर अभी आप जलाइए, हम आपको हाथ लगाएंगे. आपको मुझे एक दूसरे को हाथ लगाना, फोटो खींचो जरा. Yeah, yeah, sir, ready? Yeah, ma'am, look at camera. Camera, yes. Very good. अब मैं ये बोलना चाहूँगा आज, फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं होता, सबका दिल बहलाने की बात होती है. क्योंकि ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्यों में क्या क्या टैलेंट है, और वो टैलेंट को आपको भी बाहर आने की कोशिश कर रही है. इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और दूसरा, जिस कोच के कैंसर पीड़ितों के लिए जो आप बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इससे पहले भी कई कैंसर पीड़ित लोगों के यहाँ गया था, जिनका हॉस्पिटल है बहुत बड़ा अपना मुंबई से लेंगे. हिलाओ मत ना. नहीं, टाटा के आगे करके गए हैं, एक संस्था मुसलमान संस्था चला रही है. मैंने कहा से छोटे छोटे बच्चों को उनके साथ में शरीर साथ बहुत ही, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत पुण्य का काम कर रही है. जागरूक करिए हम लोगों को कि हम किसी ना किसी बहाने या किसी ना किसी तरीके से कैंसर पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आए, और अपने से जो भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, उनका मनोरंजन भी करें और उनको बाकी चीज़ों की जो भी सहूलियत हो प्रदान कर दीजिए. थैंक यू. हमारे बीच ऐसे संसारी जी हैं जो कि कैंसर से जीत कर आज हमारे बीच हैं, और वो हम सबके लिए रोल मॉडल है. मैम आप ही अगर आज हमारे बीच. Yeah, ma'am. Camera, camera. Look at camera here. Yeah, ma'am, ma'am, here. Thank you. So, thank you everyone for the beautiful pictures. Or, ab ham. Cute, 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 cute
same person. This year, this pageant is not just a pageant. This pageant is, you can see, from the age group of 22 to 65. The reason behind this is to make them the ambassadors of their city so that they can create awareness on cancer. So let me give wings, man.
पहले इनको रेडी तो होने दो। हाँ जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज आप लोगों के बीच में आया हूँ आईवा अवार्ड के वक्त। और अवार्ड का खास अवार्ड तो मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत से अवार्ड लिए भी हैं, मगर ये खास करके कैंसर पीड़ितों के लिए किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कोज के लिए ये अवार्ड हुआ है। हाँ, एक तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि इस तरीके के अगर अवार्ड होते हैं हमारे यहाँ, मत देखिए म्यूजिकल होता है या और किसी चीज़ के लिए होता है या दूसरे नाम से जो भी अवार्ड होते हैं, अवार्ड होने भी चाहिए, मगर अगर हर अवार्ड के साथ में कोई ना कोई कोज हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ में हमारे शहर से हमारे हिंदुस्तान से ये जो बीमारियाँ हैं ये भी दूर हो सकती है। जैसे कि दलजीत जी ने ये जो कोशिश की है कि भाई ये शो के माध्यम से, ब्यूटी के माध्यम से ये लोगों में अवेयरनेस लाना चाह रही है कि भाई कैंसर पीड़ितों के लिए भी सोचा जाए और उनकी किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंबई शहर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल एक ही है, टाटा मेमोरियल। टाटा वाले बहुत ही मदद करते हैं लोगों की, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को वहाँ भेजा तो उसमें काफ़ी लोगों को मतलब राहत मिली है। तो ये जो आज का अवार्ड हुआ है बहुत ही प्यारा अवार्ड हुआ है और इसमें जो अवेयरनेस हम लोगों को सुनने और देखने को मिली, कुछ लोगों से हम मिले भी कि जो कैंसर पीड़ित से होके ठीक होके आए हैं यहाँ, जिनको दलजीत जी अवार्ड भी दे रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके आप मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हर म्यूजिकल शो में तो आते हैं मगर इसमें भी आप इतनी तादाद में आए, तो आप सब मीडिया लोग भी इसके पात्र के धनी हैं। सर जी क्या दलजीत जी आप बताएं कितने साल से कर रहे हैं आप, कितने लोग जुड़े हैं आपसे? मैं इस जो आईवा है इसमें मैं ट्रस्टी भी हूँ, तो जब ये आईवा फॉर्म हुआ था मुझे दलजीत जी में फायर नज़र आया, वैसे वाकई में ये काफ़ी आगे हुआ। आज देखो छोटा सा जो एक पेड़ कितना बड़ा आज काम कर रहा है। सो आज जो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आज प्रिकॉशन लेवे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। तो आज की चीज़ जो है कि आज इंसान की क्रिएटेड की हुई ये सब बीमारियाँ कैंसर वगैरह ये कुदरत की बीमारियाँ नहीं है, हम जो खाना पीना खा रहे हैं सेवन कर रहे हैं उसके वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से ये सब बीमारियाँ हो रही हैं। तो एक कैफी फाउंडेशन इंडिया ने इसमें पार्टनरशिप की आयोवा के साथ में, और ये मिलके कई संस्थाओं मिलके दलजीत जी सबको साथ में लेके चल रही हैं और एक बहुत बढ़िया काम हो रही है। और सर हमेशा अच्छे काम के लिए मना नहीं करते, हर जगह पहुँचते हैं। मैंने बिल्कुल दलजीत जी से तो मेरे एक परिवार के संबंध है। आप बताइए सर आपके सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 40 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। मैं थैलेसीमिया बच्चे लोग के लिए काम करता हूँ जो कैंसर पीड़ित है, भी उनको रोज़ ब्लड की ज़रूरत है लेकिन हम लोग ब्लड नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो मेरे को सबसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके उतना ब्लड डोनेशन कीजिए और छोटे बच्चे लोगों को थैलेसीमिया जो बीमारी है उससे बचाइए। इससे कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेगा आपके साथ, किसी को जरूरत पड़े जो कैंसर पीड़ित जो पहुँच नहीं है टाटा में कैसे वहाँ पर पहुँचे? सर हमारे हरजीत जानन जी है, उनसे आप मिलिए, वो आपको पूरी डिटेल देंगे कि उनके माध्यम दलजीत है ना इस माध्यम से, और इसमें हम जुड़े हुए हैं। दलजीत आईवा जुड़ा हुआ है, आईवा के माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं सभी लोग। आईवा के जो वेबसाइट है तो वहाँ से जो भी सहयोग मिलेगा, और क्योंकि आज रास्ता बताना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो आईवा आपको पूरा इसमें हेल्प करेगा वेबसाइट में जाके। दिलीप जी आपको कॉन्टैक्ट किया, राय देना चाहेंगे कि अभी जो बताया गया कि तंबाकू की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है? नहीं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे मुंह में पान देखे भी आपने सोचा होगा मगर हकीकत मानी मैंने पान में तंबाकू खाना बंद कर दिया है। और मैंने वैसे सही कह दूँ मैं आपको 94 से मैं सिगरेट बहुत पीता था, यानी अगर बोलूँगा तो शायद लोग अचंभा करेंगे, यकीन भी नहीं करेंगे, 120 सिगरेट रोज की मैं पीता था और मैंने एक झटके में छोड़ी। उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो कुछ लोग इसे आपके चैनल के माध्यम से सोच के और भी अचंभा करेंगे कि ड्रिंक मैं डे नाइट करता था और मैं 2013 के अंदर ड्रिंक छोड़ दी एकदम, मतलब एक भी विदाउट मेडिसिन छोड़ी है मैंने। तो ये तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसी तरीके से टोबैको भी मैंने इसी तरीके से छोड़ा। तो जो डॉक्टर साहब ने या हम लोगों ने जो भी सुना अभी वो यही है कि आप खान पान का ध्यान रखिए, तम्बाकू हो या टोबैको हो या ड्रिंक हो या अल्कोहल हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल होती है। जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं ना, जब मैं अमूमन हर फंक्शन में जाता हूँ, फंक्शन के बाद में पार्टियाँ होती है तो लोग बोलते हैं यार चलो विस्की छोड़ दी, बियर छोड़ दी,
बोर्ड का पी लो, वो नहीं है तो आजकल एक वाइन है, बोले वाइन पी लो, मैं बोला क्यों पी लूँ भाई, बोले वो तो अंगूर होती है, तो नशा नशा होता है, तो इस नशे से अगर आप दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं आएगी। और एक खास बात मैं और बताना चाहता हूँ सर, आपके लिए भी और आपके लिए भी और ये चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो रोज़ सुबह जब आप उठते हो या जब भी आप फ्री हों तो एक चीज़ का उच्चारण करिए। वैसे तो आप ये साउंड होना चाहिए, अगर उसको और ढंग से करना चाहते हैं तो आप ये जब हम बात बोलेंगे तो 10 सेकंड तक रहता है और 10 के 11 सेकंड के बाद में डाउन होना शुरू हो जाता है, तो इसकी अगर 20 सेकंड तक अगर आप एक ही आवाज़ का स्थिर रखेंगे तो मैं समझता हूँ उससे भी आप बीमारियों से बचोगे। अगर लंग्स में मजबूती रहेगी तो आपको बीमारियाँ अटैक नहीं करेगी। और उसके अलावा मैं एक बार और भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को सिंगर बनना होगा तो वो भी मेरे पास आ सकता है। नमस्कार। दलजीत जी, क्या कुछ चीज़ को फंड देना है, तुम्हें कहाँ से कैसे आपको किसी को फंड करना होता है? देखो दलजीत की जो आयवा फाउंडेशन है वो एक सारे ही जो अपने अपना चैरिटेबल जितने लाइसेंसेस हैं सारे हैं, एडीजी वगैरह भी मिलती है और अच्छे काम के लिए पैसे यूज़ होते हैं। तो वेबसाइट में जाके या उनके नंबर के थ्रू उनके कितने कार्यकर्ता इतने या सारे हैं उनको उसमें जुड़ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। ब्यूटी को कनेक्ट किया जा रहा है इस तरह से कि आप जब बैठते हैं, जब समझते हैं और तरह तरह की जो बीमारियां हैं आज उसमें खास करके जो मिस्त्रियों की जो बीमारी है, अनअवेयरनेस कहा जाए या इग्नोरेंस कहा जाए, जिस तरह से डॉक्टर टाटा के बहुत फेमस डॉक्टर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, इस तरह की जब अवेयरनेस महिलाओं में फैलेगी, ऑफ कोर्स कोई कैंसर को सुनने नहीं आता है, जब हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं और अच्छे ढंग से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरह से फैशन शो के माध्यम से लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जा रही है, तो उससे क्या होता है लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि एक हंसता खेलता परिवार एकाएक या तो बिखर जाता है या दुखी हो जाता है, तरह तरह की समस्याओं से दर्द से जूझता है। तो ये प्रोग्राम होना चाहिए, इस तरह से जो आईवा का एक इनोवेशन है या चैरिटी फाउंडेशन का जो इनोवेशन है, इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर को जो इस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं, स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। और मैंने एक महिला को सुना जिनको कैंसर हुआ था, दो बार कैंसर हुआ था रादर, और उन्होंने कैंसर से फाइट किया और जिस तरह से उन्होंने इसमें अपने परिवार की भूमिका के बारे में बताया, तो दोस्तों सही बात है, डॉक्टर बाद में आता है और परिवार पहले आता है। तो जो परिवार का सामंजस्य होना चाहिए, जो एक तरह से कोऑपरेशन होना चाहिए परिवार का ऐसे पेशेंटों के लिए, वो बहुत ही एक तरह से मोरल बढ़ाने वाला होता है। और आप किसी ने बोला था कैंसर मतलब कैंसर, मैंने सुना है कि पर्सनली आज के जो प्रोग्राम में डॉक्टर को सुनने के बाद और जो पेशेंटों को देखने के बाद जो चीज़ समझ में आई है, वो कैंसर से कैंसर के बजाय अब फिर से लाइफ में लाइवनेस को कैसे लाना है या लाइफ को कैसे वापस लाना है, ये चीज़ें समझ में आती है। महिलाओं को, यंग गर्ल्स को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो हो रही हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं। पुरुषों में जो बहुत ज़्यादा आजकल तकलीफ होती है, वो मैंने देखा कि जिस तरह से बोलना है कि 50-60% खाली टोबैको की वजह से होती है। लंग्स के कैंसर हो गए, माउथ के कैंसर्स हो गए, गम्स के कैंसर हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना हो सके अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए, आप अपने इर्द गिर्द लोग जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं उनको रोकिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि ये गंदी आदतें छोड़ें, जिससे उनकी वजह से और लोग इन चीज़ों को ना सीखें और जहाँ तक हो सके कि इसको बढ़ावा ना मिले। टोबैको हो गया या फिर जर्दा, और इस तरह के पान में तरह तरह के मसाले खाए जाते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, इस माध्यम से और लोग आप तक पहुंचेंगे, लोगों को जागरूकता होगी। अभी दिलीप सेन सर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने एकाएक शराब पीना छोड़ दिया, एकाएक सिगरेट पीना छोड़ दिया, जो कि बहुत आसान नहीं है। तो मैं बहुत बधाई दूंगा, हमारे मित्र हरजीत सिंह जुड़े हुए सर भी इस प्रोग्राम में हैं। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहनी चाहिए। हमारा क्लिनिक रिजो एनर्जी सेंटर बहुत सारे कैंसर पेशेंट को इसके लिए काम करता है,
हमारी सेंडमैन हेल्पिंग हैंड करके संस्था है जो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। हम दोनों का हमारी टीम की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से बधाई देना चाहेंगे और आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन मैं आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है मुंडे सर ने, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसे इतने अच्छे फंक्शन में आई जहाँ पर कैंसर पेशेंट को भी बुलाया गया, उन्हें भी सम्मानित किया गया, बहुत बड़ी बात होती है। मैम ने ये इवेंट कराया, ऐसे इवेंट में ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट दी कैंसर पेशेंट्स को, और मैं बोलती हूँ कि मुझे इस इवेंट में बुलाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रिलियंट इवेंट है, मिसेज एंड मिस बन रहे हैं, तो जो लड़कियाँ भी जीते उनका करियर ब्राइट हो और बहुत आगे जाए। आपने कभी मिस मिसेस हाँ मैंने मिस हिमालय जीता है। मैं 2015 में मिस हिमालय विनर रही हूँ। मैंने एक इंटरनेशनल भी जीता है पेजेंट जिसका नाम था मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड, उसमें मैं फर्स्ट रनर रही थी। और भी मैंने हिमाचल से 4-5 पेजेंट जीते हुए, लेकिन जो मैंने बेस्ट पेजेंट जीता था वो था मिस हिमालय। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे पेजेंट्स में आती हूँ जिसमें गर्ल्स को अप्रिशिएट किया जाता है। मैं इनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने हमें इनवाइट किया, और इनका NGO काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जिसमें कोई एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, मतलब 16-20 से लेके 65 प्लस तक की लेडीज़ को इन्होंने रैंप वॉक करवाया है, जो मिस इंडिया और मिसेज इंडिया था। तो ये पहली बार ऐसा शो देखा जो NGO फीमेल्स पे काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, और मैं चाहूँगी कि एवरी ईयर हम इनके फंक्शंस में आते रहें। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा है, मैं कर रही हूँ, बट सपोर्ट कोई नहीं करता। ग्लैमर के लिए आते सब हैं कि हम भी आएंगे, बट जहाँ सपोर्ट की बात आती है लोग सपोर्ट नहीं करते। यू नो, हर इवेंट के पीछे क्या होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जब तक फाइनेंस नहीं होगा आप कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं कर सकते। बट सपोर्ट चाहे NGO हो, नोबडी इज सपोर्टिंग, लाइक देयर इज दो फेसेस। मैंने इस बार जो इवेंट को करने के जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं मार्केट में, इट वॉज वेरी टफ। उसके बाद मेरा दिल इतना टूट गया है कि शायद मैं इस इवेंट के बाद कभी इवेंट करूँ ही ना, मतलब जो मेरा बैड एक्सपीरियंस इस बार रहा है। लोगों ने ऐसे धोखे दिए लास्ट मोमेंट पर, सबको आना है स्टेज पर लेकिन किसी को हेल्प नहीं करना, स्पॉन्सरशिप के वादे करते हैं, लास्ट मोमेंट में सब बैकआउट करते हैं। यही मेरा दिल थोड़ा इस बार टूट गया। ओके, तो फिर ऐसे लोग का बाइकआउट ही करना चाहिए। वही आस्ते आस्ते कर रहे हैं, अभी आस्ते आस्ते फिल्टर कर रहे हैं। सर सर, जैसे वॉट यू हैव टू से अबाउट मैन, शी इज राइट, इट इज अ बहुत ही कड़वा सच है जी जी, कि बातें सब करते हैं फिर। बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और अगर जो लोग ऐसे, मतलब इतने अच्छे लोगों को ही साथ नहीं देते, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी मतलब आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जो इतनी अच्छा NGO है इनका, मैं मतलब मैं सोच में हैरान हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसे लोगों के बारे में सुन के मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्या सोचते हैं वो कि नहीं होगा। उन्होंने इतनी अच्छी लेडी का दिल दुखाया है जो इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐन मौके पे धोखा देना कभी उनके लिए अच्छा रहेगा। उनको भी कोई ऐसा मिलेगा जो उनको धोखा देगा, तब उनको याद आएगा कि किसी के लिए। सी देखिए, अभी तो क्या, मैंने अभी तो सिर्फ सेल्फ के ऊपर इवेंट को किया, इस लेवल तक लाई हूँ। अगर लोगों का सपोर्ट होगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कितने बड़े इवेंट हो जाए। यही है कि अगर आप सचमुच दिल से जुड़ना चाहते हैं तो या तो आप वादे करें तो पूरे करें, नहीं तो मत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं कल ही मुंबई आई हूँ, अभी मेरे 2 नए गाने रिलीज़ होने वाले हैं, हरियाणवी और 2 पंजाबी। तो बस मैं तभी आप लोगों को इन्वाइट करूँगी, आई थिंक इस मंथ एंड में रिलीज़ हो जाएंगे। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। मतलब पंजाबी और हरियाणवी? पंजाबी सरदारनी। हाँ जी, अच्छा अच्छा। आप देखिए, मतलब सिटी से बिलोंग करते थे, कितना सपोर्ट रहा। हाँ जी, नहीं नहीं देखो, मैं पहली बार आज इनसे जुड़ी हूँ, रियली बता रही हूँ, और ये अपनी पंजाबन है तो हमारी हेल्प बनती है इनके लिए। अगर ये पंजाबन नहीं होती तो भी हेल्प बनती है, यू नो। एक्चुअल में अगर ये अच्छे हैं तो इनके साथ में सब अच्छा होगा, मेरा ये मानना है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं लाइफ में किसी का बुरा नहीं कर सकती हूँ तो मेरा भी कोई बुरा नहीं कर सकता। तो आप अच्छे हो तो अच्छा ही होगा सर। थैंक यू। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? अभी प्रोजेक्ट के तो एक्चुअल मैं सही बताऊँ तो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हो सका तो एक कंटिन्यू सीरियल भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको सबसे पहले अनाउंस करूँगी। थैंक यू।